हाँ वाकई में ही इसमें तो रेनबो बन रहा है यार, वो देखो हाँ बहुत ऊपर से पानी आ रहा है इधर भाई साहब। ये सब चीज़ें देखने के लिए ना जितनी मेहनत करके आना पड़ता है ना पहाड़ों पे, सही में एक बार देखने के बाद मेहनत सफल हो जाती है। मतलब हर थकान वकान उतर गई कि भाई हम लोग इतना चढ़ के आए। फाइनली 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के और हम लोग पहुंच गए हैं खबरू वाटरफॉल। अभी तो फ़िलहाल आके यहाँ पे बैठेंगे और वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा यहाँ का खबरू वाटरफॉल है कैसा ब्रेक के बाद। तो चलो भाई एकदम नज़दीक हम पहुंच गए खबरू वाटरफॉल के, मगर इस वाटरफॉल तक आने के लिए हमारी ना आते पसलियाँ सब बाहर आ गई यार। सही में मीतू का तो ऐसा लग रहा है कि पेपड़े बाहर आ जाएंगे जिस तरीके से वो है। और भाई अभी मैं आपको यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ खबरू वाटरफॉल के। फाइनली अब टाइम आ गया है, एक बार देख लेना चाहिए वाटरफॉल कैसा है। तो भाई ये देख लो, ये है खबरू वाटरफॉल। ये देखो भाई, ये देखो भाई कितना ऊपर से आ रहा है ये है। बट इस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब ठंड है और पानी काफ़ी ठंडा है आगे पता लग रहा है। आराम से पार तो चला गया, आराम से हाथ डालना ज़्यादा। हाँ इधर आओ इधर आओ, ये देखो ठंडा है पानी, पानी ठंडा है भाई। वाटरफॉल की छींटे ना यहाँ तक आ रही हैं, सही में यार देख लो यहाँ तक छींटे आ रही हैं। अरे हाँ यार भाई आप मेरे पीछे देखो, इसमें रेनबो बन रहा है। ये देखो जान से देखो, हरी नीली लाइन पीली लाइनें आ रही हैं रेनबो की। और बहुत ठंडा यार पानी, अरे यार वाकई में सुन करने वाला पानी है। और ये देखो ये देखो ये देखो रेनबो बन रहा है मेरे पीछे रेनबो। भाई ध्यान से आप लोग देखो, इस पानी में रेनबो बन रहा है इस वाटरफॉल के पानी में, ये देख लो। हाँ वाकई में ही इसमें तो रेनबो बन रहा है यार, वो देखो हाँ बहुत ऊपर से पानी आ रहा है इधर। ओए होए यार पीछे आ जा पीछे, है ना छींटे लग रही है ना। ये लोग तो सब पीछे ही बैठे हैं अभी हैं भैया। इसमें तो वाकई में रेनबो बन रहा है यार है। हाँ भाई एक चीज़ देखने वाली है, ये वाटरफॉल कितनी ऊपर से आ रहा है बताओ यार। मतलब ये भी एक नेचुरल चीज़ है कि ये देखो कितनी ऊपर से वाटरफॉल पानी कितनी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखो बाय गॉड, ये देखो कितनी स्पीड से आ रहा है। और अभी संजू भैया तो जा रहे हैं नहाने भाई, संजू भैया जा रहे हैं नहाने। भाई साहब ये सब चीज़ें देखने के लिए ना जितनी मेहनत करके आना पड़ता है ना पहाड़ों पे, सही में एक बार देखने के बाद मेहनत सफल हो जाती है। मतलब हर थकान वकान उतर गई कि भाई हम लोग इतना चढ़ के आए, इतना ट्रैक करके आए, इस वाटरफॉल को देख के मन खुश हो गया है। और बहुत अच्छा लग रहा है यार सही में, देखो कितना बड़ा ऊँचा वाटरफॉल है ये देखो। ओ भाई सही में मतलब इंजॉय आ रहा है, फुल इंजॉय मज़ा आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें वो देखो रेनबो बन रहा है वहाँ पे। हैं संजू भैया तो चले गए नहाने, वो देखो भाई इतने ठंडे पानी में संजू भैया की हिम्मत है जो चले गए रेनबो के बीच में। वो देखो नीचे चलोगे। तो भाई अभी आप सोच रहे होगे पार्थ को हमने क्या पहना रखा है। तो भाई मैं इस लड़के की हरकत बता दूं, अभी ये गया था वहाँ पे वाटरफॉल में और ये वहाँ पे गिर गया। और इसके ये देखो ये सारे कपड़े हमने यहाँ डाल दिए हैं, उतारने पड़े सारे कपड़े इतनी ठंड में। इसको वहाँ पे घुसने की जरूरत क्या थी हैं, आपको नहीं पता था पानी में ठंडा इतना। और अब इसके कपड़े सूखेंगे तभी कहीं हम जा पाएंगे। ये देखो भाई इस वाटरफॉल में ना मेरे को ये बड़ा ताज्जुब लग रहा है, देखो रेनबो बन रहा है यार। मैं तो इस रेनबो को ही देखे जा रहा हूँ तब से कि कैसे रेनबो बन रहा है इसमें लहरों पे, जो छींटे निकल रही हैं और रेनबो की तरह हैं बिल्कुल, नीली लाल पीली हरी हर रंग की रेनबो है। ये देखो ये भी यार एक सही में एक जादू है, एक करिश्मा है। और यही करिश्मा देखने हम इतना पैदल चल के यहाँ पे आए हैं, मगर मून सारा पार्थ ने ख़राब कर दिया है। अभी माँ बेटे अब गले मिल रहे हैं, पहले मीतू ने इसके एक जड़ दिया मुँह पे हैं, देखो थप्पड़। ये देखो निशान आ गए गाल पे, ये देखो ठीक है। और अब देखो अब उसको कपड़े पहना के चूम रही है
है। चलो कोई नहीं, होता रहता है। वो तो शौर्य ने, अच्छा वो अंदर इनर विनर पहना हुआ था तो शौर्य का इनर पहना दिया हमने उसको। तो भाई अभी घड़ी में 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे अब ठंडा होता जा रहा है, तो अब हम लोगों ने सही समझा कि हम यहाँ से चलते हैं। अभी मीतू भाभी और बच्चे सब लोग वहाँ पे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं पार्क के, जो कपड़े गीले हो गए थे वो लेने। और भाई हमने अभी यहाँ से ना थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है तो अभी थोड़ा ही लेके अब नीचे से लेंगे। यूबिया के पास रख लिया हमने सामान अपना खाने पीने का, थोड़ा सा यहाँ से खा पी के फिर नीचे चलेंगे, क्योंकि भूख तो लगी आती है भैया थोड़ी बहुत ना, है ना भैया। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी पेट पूजा करी जा रही है, हैं सब लगे हुए। खाओ बच्चों, चलो जल्दी, और फ्रूटी पीना, एनर्जी आएगी नीचे जाने के लिए। और पार्थ तो देखो, पार्थ क्या बना हुआ है, पार्थ को मीतू ने अपना स्वेटर दे दिया। और ये देखो मज़ा आ रहा है पार्थ, हैं देखो शौर्य कितना समझ आ रहा है, देख लो वो एकदम उसके कपड़े सही हैं, हैं वो गीला नहीं हुआ। तो फाइनली अब यहाँ से हो गए हैं इस टाइम पे, अब घड़ी में 3:30 बज गए हैं भाई। अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया और खा पी लिया, अब यहाँ से थोड़ी एनर्जी आ गई, अब निकलते हैं। ये बस यहाँ पे छोटी सी शॉप है जो यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, यहाँ पे खाने पीने का, और मैगी भी मिल जाती है। ठीक है अभी चल रहे हैं हम लोग यार, और अब उतराई है, और पार्थ हमारा एलियन बन के जा रहा है क्योंकि इसके कपड़े तो सारे गीले हैं। और वो देखो ये मेरे पास हैं पन्नी में गीले कपड़े, पानी में ही गिर गया था झील में, हैं नोने इधर देखिए एक बार। देखो भाई कैसा कैसा रास्ता है, आ रहा है ना, मजा आ रहा है, हैं मजा आ रहा है ना। हाँ भाई जल्दी जल्दी आओ, मैं तो लेके पार्थ को आई थी, ये पिंकी को लेके जा रहे हो तुम। भाई तो ये तो पिंकी बैठी है, पिंकी बैठी भी कैसे है पिंकी भाई। अभी देखो कितने खतरनाक रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, हैं बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे चलने के लिए, साइड साइड से आ रहे हैं क्योंकि एक साइड पहाड़ है और एक साइड खाई है, तो इधर पे बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है अभी सबको, पहाड़ भी चल ही रहा है। हाँ भाई अभी काफी देर चलने के बाद, मतलब उतराई है, उतराई में भी यार थकान हो गई क्योंकि बहुत देर से हम लोग उतर ही रहे थे, बस अभी यहाँ पे रुके हैं रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम पहले नीचे से जब ऊपर चढ़ रहे थे तो यहाँ रुके थे, और जब ऊपर से आए नीचे तो अब यहाँ पे उतरे हैं। ये देखो ए पार्थ का डांस देख लो, दिखा दे पार्थ डांस, दिखा अच्छे से कर डांस। ओ देखो चलो रेस्ट कर लो थोड़ी देर फिर चलते हैं, है ना। उतर रहे थे और यहाँ पे देखो पेड़ पे पत्तियाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पे पैरेट ही पैरेट है। ये देखो दिखाता हूँ अभी, ये देखो कितने सारे पैरेट बैठे हुए हैं इन पे, और यहाँ पे हैं ही सिर्फ तोते। देखो कितने सारे तोते हैं भाई, हाँ बताओ। चलो आगे चलते हैं, पार्थ और शौर्य तो आगे आगे जा रहे हैं, हम लोगों की बैंड बज गई और ये लोग खेल रहे हैं यार खूब। ये देख लो क्या मस्त एकदम पानी है साफ सुथरा, और इसमें ये लोग खेल रहे हैं। चलो 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 चलो, बाकी सब लोग अभी पीछे आ रहे हैं, सुहाना भी आ गया, सुहाना थक गई है, थक गई है भाई सुहाना। यार भैया कितनी दूर चले गए हैं वो देख लो, फूल तोड़ने के लिए बरास का एक गुच्छा, ये भाभी औरों भी लेके आ गए हैं देखो, हैं और वो देखो भैया और लेने चले गए। अरे भैया कहाँ इतनी दूर चलेगा, और देखो भैया कितनी दूर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी दूर से तोड़ के लेके आ रहे हैं भैया। अरे वाह भाई, अरे भैया बहुत स्टेमिना है यार आप में, कहाँ कहाँ चले जाते हो भैया, हैं मज़ा आ गया। सही में यार हिमाचल में रहने वाले बंदों का ना बहुत स्टेमिना है, बहुत सही मस्त एकदम। और एक ये देखो हमारी मैडम को, हाँ स्टेमिना। फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग नीचे आ ही गए हैं, और देखो क्या ग्रीनरी है, क्या हरियाली है, सब ये धान है जो बोया हुआ है अभी। अब प्लेन एरिया आ गया, काफ़ी हम लोग उतर आए, थक गए, मीतू गिर भी गई एक जगह, हैं दो बार गिर गई है, इसके घुटने फूट गए। अरे देखो आराम से उतरना, अब गिरना मत। चलो सुहाना भी चलेगी,
आ जाओ। फाइनली अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं भाई, अब निकलते हैं सीधा घर को क्योंकि यार थक गए यार काफ़ी, और बुरी हालत हो गई है यार। वो भी बोल रही है हाँ हाँ वहाँ से, तो भाई हालत हो गई है ख़राब। अब चलते हैं घर की तरफ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मोड़ के चलें। आपको दिखाऊंगी कि ऑफ रोडिंग क्या होती है, ये करेंगे देखना। मेरे ऊपर मत चढ़ा देना। अरे एक सेकंड रुक जाओ, जब बैठ जाओ ना तू भी बैठ जाओ, चेन बंद करो, गाड़ी में बैठो चेन बंद करो, जाओ। इस टाइम पे बज गए हैं 5:20 और हम लोग आ गए हैं सब घर घूम घाम के, और सुहाना बोली नहीं कुछ भी, ये थकी थकी रही हैं, देखो भाग रहे अब आ गए अभी भैया, अभी बैठ गए यहाँ पे, और इस टाइम पे वो ऐसा लग रहा है कि लेट जाओ बस आराम से। गौशाला इन्होंने यहाँ पे अपने ये गाय रखते हैं, संजू भी और वो, ये देख लो ये दोनों यहाँ पे हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। चलो 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 आगे चलो चलो चलो, देखो ये मिल गए अभी, ये आ गए 3-4-5। अरे ये तो आराम से आराम से, ये राधा भाभी की है ना भैंसे, बैल भैंसे। हाँ जाओ, अरे तू तना तना मत कर, ओ देखो आ जा, देखो राधा भाभी के यहाँ पे। हाँ भाई सज्जू क्या हो रहा है, वो देख लो ये बना रहा रोटी, साहिल दी रोटी बना रहा है, और भाभी भी, और ये क्या तुम लोग आके चूल्हे के आगे बैठ गए, देखो इतनी इतनी बनवाना, आप भी वहीं है वहाँ से, मना करूंगी तो फिर आप बोलोगे। तो मजा आ रहा है चूल्हे के आगे बैठने में, गरम गरम है, शौर्य को भी पार, तू भी इधर आजा बेटे, यहाँ पे बैठना इधर पे, इससे बैठो हाँ। और ये देख लो ये राधा भाभी के घर आके अब तुम यहीं पे लग गई किचन में, हाँ चला रहे दूध चला रहे, सही है भाई चूल्हे पे है, बढ़िया। तो भाई अभी हो गया डिनर का टाइम, और सब लोग बैठ के भाई डिनर कर रहे हैं मस्त एकदम, देखो आराम से बैठ के, भाभी ने भी कितनी आइटम बना दी है यहाँ, मटर मशरूम और पनीर, भिंडी की सब्जी और चटनी, और दाल चावल है, कितना कुछ बनाया हुआ यार। चलो रात के बज चुके हैं 9, और अपना तो डिनर हो गया मस्त वाला, और अब इस टाइम पे थक गए हैं क्योंकि कल सुबह भी हमें 5 निकलना है, तो मैं आपको कल बताऊंगा कि हमने कल कहाँ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो का एंड यहीं कर रहा हूँ, आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड नाइट।